मिस्टर अदानी ने राजस्थान के लिए 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया। कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसे प्रपोजल को रिव्यू नहीं करता। ये हमारे राजस्थान के लोगों की हिम्मत बता देनी चाहिए। बनो भाई, हम इन्वेस्ट राजस्थान में आके बहुत खुश हुआ है। बीजेपी की सरकार दो तीन लोगों को हिंदुस्तान के सब बिजनेसेस की मोनोपोलिस्ट बनाए और इसके मैं खिलाफ। जिस उद्योगपति को राहुल गांधी पानी पीपी कर कोसते हैं, उन्हीं की तारीफ में राजस्थान के सीएम कसीदे पढ़ते हैं, गौतम भाई कहकर बुलाते हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति उस जमाने में भी मैं पूछता था भी गौतम भाई, विक्रम सारा भाई से लगा के दादी भाई कई लोग रहे हैं। बाद में धीरूभाई अंबानी आ गए, अब गौतम भाई आ गए, तो गुजरात का अपना एक और अलग रहा। हुआ यूं कि जयपुर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के कार्यक्रम में दिग्गज कारोबारियों की भीड़ थी। मंच पर माइक गहलोत संभाल रहे थे, लेकिन राजस्थान के सीएम ने जो कहा वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी के उसूलों से बेमेल था। ये हमारे राजस्थान के लोगों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए गौतम भाई कि आपके यहाँ तो प्रारंभ में ऐसा माहौल था, आज तो गौतम अडानी का नाम सुनते हैं कि दुनिया के दो अमीर लोगों में आ गया है, ये तो आपका बधाई के पात्र है आप। अब इस बयान ने कांग्रेस की विचारधारा की पोल खोल कर रख दी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस की नीति और नियत में तालमेल नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अब गहलोत के बयान पर लीपापोती कर रहे हैं, नई थ्योरी के जरिए अपनी बातों को जायज ठहराने में लगे हैं। मिस्टर अदानी ने राजस्थान के लिए 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया। कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसे प्रपोजल को रिव्यू नहीं कर सकता। मेरी पोजीशन मोनोपोली के खिलाफ, राजस्थान सरकार ने अदानी जी को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया। राजस्थान की सरकार ने अपने पॉलिटिकल पावर को यूज करके अदानी जी की बिजनेस की मदद नहीं की है। मेरा विरोध इस बात का है कि बीजेपी की सरकार दो तीन लोगों को हिंदुस्तान के सब बिजनेसेस की मोनोपोलिस्ट बना रही और इसके मैं खिलाफ। राहुल गांधी ने राजस्थान बिजनेस समिट में कारोबारी गौतम अडानी को बुलाने पर गहलोत का बचाव किया। राहुल ने कहा कि वो किसी एक कारोबारी के मोनोपोली के खिलाफ हैं, जिस उद्योगपति ने भारत का झंडा बुलंद किया है, जो दुनिया में अमीरी की लिस्ट में नंबर 2 के पायदान पर है, उन्हीं के जरिए राहुल गांधी अक्सर मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं। गौतम अडानी को पीएम मोदी का दोस्त बताकर वोट मांगते हैं, लेकिन हैरानी तब होती है जब उद्योगपति गौतम अडानी के लिए कांग्रेस के ही सीएम रेड कारपेट बिछाते हैं, मेहमान नवाजी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कांग्रेस को बीजेपी आईना दिखाते हुए पूछती है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने निशाना साधते हुए लिखा कि ये तो राहुल गांधी के खिलाफ फिर से बगावत के लक्षण हैं, क्योंकि राहुल गांधी कहते आते हैं देश में पूरा फायदा अडानी और अंबानी उठाते हैं, और अशोक गहलोत कहते हैं कि पहले अंबानी और अब अडानी की वजह से ही गुजरात का कुछ बात ही अलग है। अडानी हो या अंबानी, कांग्रेस के निशाने पर रहने वाले इन उद्योगपतियों की जरूरत हर राज्य को है। गुजरात की तरह राजस्थान में भी गहलोत संपन्नता चाहते हैं, क्योंकि जयपुर की इसी इन्वेस्टर समिट में गौतम अडानी ने राजस्थान में 7,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। आज हम इन्वेस्ट राजस्थान में आके बहुत खुश हुआ है। अडानी ग्रुप ने आपने सुना है कि हमने 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंस किया है। साथ साथ में जब हम बात हो रही थी तो गहलोत साहब से बात हो रही थी तो हमने एक दो प्रस्ताव के ऊपर मंजूरी दिया है, और वो जो है कि दो मेडिकल कॉलेज एंड पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट में जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां सिविल हॉस्पिटल के साथ में किस तरह से मेडिकल कॉलेज में योगदान दे सकते हैं उसके ऊपर हुआ है, और दूसरा उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए गहलोत जी से और जोशी साहब से बात हुआ है, और उसके अंदर
अदानी फाउंडेशन अदानी ग्रुप की ओर से हम पूरा उसको बनाने के लिए पूरा सहयोग देंगे। सियासत में उद्योगपतियों के खिलाफ बयानों के जरिए कांग्रेस ने जो निवेश किया है उससे कांग्रेस को कितना अब तक फायदा हुआ है ये तो देश देख रहा है, लेकिन गहलोत ने जो किया उससे सवाल उठते हैं। क्या सियासत में भी खाने और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।